नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। नीतीश कुमार को जानने वाले बताते हैं कि जितना आप नीतीश कुमार को जानेंगे उतना ही फंसते जाएंगे। ठीक वैसे ही पहली बार मोदी का पाला नीतीश कुमार से पड़ा है और 2 महीने ही ना हुए कि मोदी के पसीने छूटने लगे। 2 महीने की सरकार बनी है और मोदी को दिन में तारे नजर आने लगे हैं और उसी का नतीजा है कि अब मोदी सरकार 5 से 6 फैसले वापस ले चुकी है और जो सबसे ज्यादा विवादित रहा वो है वक्फ बोर्ड बिल। लोकसभा में बीजेपी के द्वारा लाया गया बिल सहयोगियों के गुस्से का कारण बना और डरकर मोदी सरकार इस बिल को जेपीसी में भेज दिया। अब जेपीसी के सामने भी मोदी के पसीने छूट रहे हैं। जी हां, मीडिया में छपी खबरों की माने तो जेपीसी की बैठक चल ही रही है और सदस्य हर स्टेक होल्डर की बात सुन रहा है और अपनी बात रख रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी ने भी अपना मत रखा है। खबरों की माने तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि यह विवादित विधेयक को वापस कर दिया जाए। जानकारी देते चले कि एनडीए के खेमे में जेडीयू तीसरी पार्टी है जिसने इस बिल को लेकर अपनी अलग राय रखी है। इससे पहले चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी इस विधेयक पर सवाल उठा चुकी है। वहीं आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम अपनी नाराजगी पहले ही जता चुकी है। कहा जा रहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से डर रही है कि कहीं इस बिल का समर्थन करते ही लेने के देने न पड़ जाए। आप जानते हैं कि बिहार में 18% मुस्लिम आबादी है और इतनी बड़ी संख्या को नाराज करना अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे में जेडीयू इस प्रस्तावित कानून में बदलाव चाहती है और इसी से मोदी के पसीने छूट रहे हैं। जानकारों का कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार एक बिल के लिए अपना हाथ जलाना नहीं चाहते, क्योंकि एक बिल से अगर करियर और पार्टी को नुकसान होता है ऐसे बिल का क्या फायदा। ऐसे में पार्टी नेता जमा खान असहमति जता चुके हैं। इसके साथ ही साथ बिहार में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मुस्लिम समुदाय की आशंकाओं के बारे में बात की है और कहा कि ये बिल ठीक नहीं है। जानने वाले कहते हैं कि विजय बहादुर मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। विधायक गुलाम गौस जैसे अन्य जेडीयू नेताओं ने भी संदेह व्यक्त किया है। खबर तो ये भी आ रही है कि नए कानून की धाराओं पर बढ़ती आपत्ति के परिणाम स्वरूप जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और जमा खान ने किरण रिजिजू से बात की है, लेकिन केंद्र ने प्रस्तावित बदलावों का बचाव किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे विरोध हो रहा है और क्यों। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या बिल वापस आता है या नहीं। लेकिन जब एक तेवर से बिल जेपीसी में जा सकता है तो भारी विरोध के बाद मोदी चांस नहीं ले सकते। ऐसे में अब कहा जाने लगा है कि ये बिल पारित ही नहीं होगा। देखना होगा कि आगे क्या होता है।